Assalamualaikum, me Suleiman Jatt from Lahore, Pakistan here. Subscribe to our channel, Android Computer Track. Dosto, aaj ki is video mein hum sikhenge ki hum Telegram ko kaise chalayein. Sabse pehle main iski tarah speed bhi slow karunga, jo ki mujhe pehle yaad nahi rahi. To ab waqt mujhe yaad aa gayi. तो जी दोस्तों, चलते हैं हम अपने मतलबा वीडियो की जानिब. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम सीखेंगे कि हम टेलीग्राम का इस्तेमाल कैसे करें. तो दोस्तों, ये टेलीग्राम बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जो कि बाय पाकिस्तान है. ये पाकिस्तान ने क्रिएट की कर रखी है, और इसमें आप बहुत चैट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह ग्रुप भी बना सकते हैं. उसकी मज़ीद मैं आपको सेटिंग भी दिखाऊंगा. मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, और इसको रजिस्टर करना बहुत ही सिंपल है. जस्ट अपना नया नंबर ऐड करें और उसको रजिस्टर कर सकते हैं आप. तो अगर किसी को समझ ना आए तो वो दोबारा कमेंट कर सकता है, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करनी सिखा दी जाएगी दोबारा से. उसके मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा. तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब. तो मैं से पहले /how to use TelloTalk. मैं ये वॉल्यूम भी फुल कर चुका हूँ, ये देखें. तो चलते हैं हम अपनी ये देखें टेलीग्राम वीडियो मैं अपनी ओपन कर लेता हूँ. ये मेरी रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, ठीक है. वो क्या ये देखें, ये मुझे एक मैसेज आया है. ये देखो, जिस तरह हमें एक पहले आईमो पे भी हमें ये इस तरह का मैसेज, जब हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो साथ में वो एक दिखा देता है कि फलां बंदे ने जो है वो इसको ज्वाइन किया है. तो अब ये देखें, ये देखें नीचे हम देखते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं. इस ये हमें एक मैसेज आया हुआ, वॉइस मैसेज. तो ये देखें, इसको प्ले कैसे करेंगे हम, इसमें हम ये देखेंगे. तो इसको मैं वैसे डिलीट कर चुका हूँ. तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ से क्लिक कर पाएंगे तो प्ले हो जाएगा. अब मैं जो कि कई दफ़ा अपनी चैट क्लियर कर चुका हूँ, तो इसलिए शायद इसको ये डाउनलोड ना भी करें. तो वैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए. तो ये देखें, ये सर्च है, यहाँ पे सर्च करके आप ढूंढ भी सकते हैं. ये ओपन मैग्निफिकेशन मेन्यू है. तो ये देखें, यहाँ सबसे ऊपर न्यू ग्रुप, इस पर आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. ये पिक्चर होगी इस पर की, ये सुलेमान जट, ये मेरा अकाउंट है, नाम है, ठीक है. और ये मेरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है. ये पिक्चर होगी, ये न्यू ग्रुप, न्यू सीक्रेट चैट. आप यहाँ पे सीक्रेट चैट भी कर सकते हैं. ये न्यू चैनल आप यहाँ से नया बना सकते हैं. ये कॉन्टैक्ट है, कॉल्स, सेव्ड मैसेज. यहाँ पे आप सेव मैसेज देख सकते हैं अपने. इसमें सबसे बड़ी ऑप्शन दोस्तों ये है कि आप अपने मैसेज को सेव भी कर सकते हैं. तो सेटिंग है, ये इनवाइट मैसेज है. यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक्स जो है वो इनवाइट कर सकते हैं. ये टेलीग्राम फैक है, यहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलें, मैं सेटिंग में जाता हूँ दोस्तों. ये मैं इसके ऊपर कंप्लीट समझाऊँगा आपको. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या हैं. ये ऊपर सबसे पहले मेरा नाम ये दिखा रहा, ऑनलाइन है, मैं ऑनलाइन हूँ. सब टेलीग्राम, चेंज प्रोफाइल पिक्चर, अकाउंट, ठीक है. आगे अकाउंट की चीज़ें आ गई हैं. ये मेरा नंबर है, ये नन यूज़र नेम, ठीक है. आप यहाँ से आप कोई भी यूज़र नेम लगा सकते हैं, फिलहाल मैंने कोई नहीं लगाया. यहाँ बायो, ये दोस्तों अब बायो वही चीज़ है कि आप अपने यहाँ पे सेल्फ मतलब कोई भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कोई भी कुछ छोटा सा शेयर ऐड कर सकते हैं, कोई अपना अगर आप कोई वर्क करते हैं इस तरह का तो उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं. मतलब एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे सेटिंग है. अब मज़ीद आगे ये नोटिफिकेशन साउंड दोस्तों, वही यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट पे स्पेसिफिक बेल लगा सकते हैं. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, डेटा एंड स्टोरेज, ये वही है. यहाँ पे आप डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं. ये चैट सेटिंग है, यहाँ से अपनी चैट की सेटिंग कर सकते हैं. बिलहाल फरहाल मैं देख रहा हूँ, फर्दन फिर आपको दिखाऊंगा डिटेल से. ये डिवाइसेस है, ये लैंग्वेज है. आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज करिए, यहाँ पे हेल्प है, आप हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, अब ये आगे कुछ नहीं है, ये हेल्प है. यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं. लैंग्वेज, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. डिवाइसेस, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या है. connecting. Go back button.
ये अभी कनेक्टेड हो रहा है, मेरा नेटवर्क शायद स्लो है तो इस वजह से भी वो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं सेकंड वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन जस्ट इसको मैं फर्दर आपको दिखाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ये चैट सेटिंग है, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि आपको मतलब ये देखें, आप कहते हैं आप जानते हैं कि इस टाइम क्या टाइम क्या हुआ है, तो वो आपको ये दिखा रहा है। ये रिप्लाई, ये आगे वो गुड मॉर्निंग का मतलब साइन दे रहा है। ठीक है, ये आगे वो बता रहा है। ठीक है, ये चेंज चैट बैकग्राउंड, आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड का भी चेंज कर सकते हैं, चैट का कलर थीम है, थीम चेंज कर सकते हैं। मैसेज कॉर्नर्स, चैट लिस्ट व्यू, काफ़ी इसमें मोर ज़्यादा मोर देन भी ऑप्शंस हैं। ये देखिए नीचे ऑटो नाइट मोड भी है, इसको आप अगर ऑफ ऑन कर देंगे तो ये रात के दिन जो है वो डार्क हो जाएगा, जब रात का टाइम होगा तो ये खुद ब खुद ही डार्क हो जाएगा, मतलब आँखों में जो लाइट पड़ती है उससे उसका ये इन्फेक्शन भी नहीं होगा आपकी आइज़ के ऊपर, ये भी बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, आप पे आपको कोई लिंक आता है तो वो अगर उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ब्राउजर पर भी ले जाएगा, ये ऑन नहीं है, इसको हम ऑफ नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट शेयर भी है, ठीक है, ये अनेबल एनिमेशन है, तो ये लार्ज इमोजीज है, रेज द स्पीक, ठीक है, सेंड बाय एंटर, ये वही व्हाट्सएप वाला सीन जब हम मैसेज लिख रहे होते हैं तो हम लिखते हैं लाइक, हम लिखते हैं एच वाई हाई, हाई लिखने के बाद हम ऊपर जाके सेंड बटन राइट साइड पे ढूंढते हैं, लेकिन अब हमें वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। नीचे न्यू लाइन जहाँ पे डिलीट के साथ ऑप्शन आ रहे होते हैं वहाँ पे उस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट मैसेज को सेंड कर देगा, ये ऑप्शन व्हाट्सएप में भी है, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। अब ये सेव टू गैलरी, ये भी ऑप्शन है कि आप कोई चीज़ सेंड करता है, कोई वीडियो कोई ऑडियो, तो आप उसको चाहते हो गैलरी में सेव करें तो वो भी कर सकते हैं। ये स्टिकर्स हैं, चलें अब बैक चलते हैं। चैट के बाद हम देखते हैं डेटा एंड स्टोरेज, इसमें आपको बताइए नाम से जाहिर है कि डेटा के बारे में, ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मेन जो चीज़ है हमारी, मेन चीज़ ये देखें, ये देखें ब्लॉक यूजर्स सबसे टॉप पे ये दिखा रहा है कि बंदा आपको तंग करे तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होगा इसमें, इसको क्लिक करेंगे तो ठीक है। फिलहाल मैंने कोई भी नहीं ब्लॉक नहीं किया इसलिए मेरा यहाँ पे जीरो ही है। मे बी कि आप वो इसको नंबरिंग भी बताया कि आपने कितने लोगों को ब्लॉक किया और कर रखा है। फ़ोन नंबर लोडिंग, मतलब अभी नेट कनेक्टेड नहीं है उसकी वजह से, ठीक है। लास्ट सीन इज़ ऑनलाइन, ये लोडिंग दोस्तों याद रखें, इसलिए कह रहा है कि नेट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। प्रोफाइल्स ठीक है, फॉरवर्डेड मैसेजेस, कॉल्स, ग्रुप्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपको कौन कौन अपने ग्रुप में ऐड करे, कौन कौन आपको अपने ग्रुप में और चैनल्स में ऐड कर पाए, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, पासकोड लॉक लगा सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये वही सेम व्हाट्सएप वाला फीचर है इसमें। एक्टिव सेशन, वो कह रहा है कि एक्टिव सेशन के मतलब आपकी कौन कौन सी जो है वो डिवाइसेस से ये यूज़ कर पाएंगे आप, तो ये उसके बारे में डिटेल दे रहा है कि फिर आप इसको नीचे देख पाएंगे कि लाइक आपके पास कोई पीसी है या कोई अदर फ़ोन है, तो आपका अपना फ़ोन आपके पास नहीं है तो आप उसी फ़ोन से जो है ना, आपने अगर इसको एक्टिव कर रखा होगा तो आप उसी फ़ोन से बगैर अपने फ़ोन को हाथ लगाए इसको ऑफ़ कर पाएंगे। ये एडवांस आगे आ जाता है, एडवांस में देख लेते हैं क्या। डिलीट ऑल क्लाउड ड्राइव्स, वाओ इट्स अमेजिंग, इसमें आप ड्राइव पर भी जो आपकी क्लाउड है जैसे गूगल है या कोई आप थर्ड पार्टी कोई डिगू का एक सॉफ्टवेयर है वो 100 GB देता है, या फिर सैमसंग का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो GB मिलती है आप उसमें भी इसको सेव कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन इन दिस एप्लीकेशन। सो ठीक है, डिलीट फॉर अकाउंट माई डिफरेंट वे, मतलब डिफरेंट तरह से आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। ओह दैट इज गुड ऑप्शन,
बट आई डिसलाइक पर्सनली बिकॉज़ ये देखें, अब वो कह रहा है कि अगर आप लंबे अरसे तक ऑनलाइन नहीं आएंगे तो आपका ऑटो अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। बार्ट्स एंड वेबसाइट्स, ठीक है, इसमें वाओ, इसमें पेमेंट्स भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग की भी ऑप्शंस है, लॉग्ड इन विद टेलीग्राम, ठीक है, आप मतलब टेलीग्राम के अंदर रहते हुए आप अपने डिफरेंट साइट से कनेक्टेड हो सकते हैं, पे भी कर सकते हैं, ये आगे कॉन्टैक्ट आ जाता है, डिलीट सिंस कॉन्टैक्ट्स, जो आपने कॉन्टैक्ट्स इसमें सिंस कर रखे हैं उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं, तो ये आगे सिम कॉन्टैक्ट्स ऑन है, सजेस्ट फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट ये भी ऑन है, डिस्प्ले मैसेज, ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी एक्सेसिबल एप्लीकेशन। दोस्तों आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ये हर लिहाज से हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, वो इस तरह से कि जब हम लाइक हम लोग व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सअप में क्या होता है, व्हाट्सअप में हमारा डाटा यूरोपियंस के पास चला जाता है, फिर हमें करोड़ों डॉलर्स देकर या करोड़ों अरबों डॉलर्स उनको पे करके अपना डाटा वापस हासिल करना पड़ता है, तो इसमें हमारा वो भी नुकसान नहीं होगा, तो और भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें हैकिंग का ख़तरा कोई नहीं है, दैट इज़ वेरी गुड। आगे ये सीक्रेट चैट है, वाह, इसमें मैप का प्रीव्यू भी है, लिंक प्रीव्यूज भी है इसमें, वाओ, तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ये इसमें ऑप्शंस रखे गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑप्शंस हैं। अब ये बायो है इसमें, तो ये यूज़र नेम नन है, तो बायोस पे भी मैं क्लिक करके दिखा दूँ, ये देखें आप लिखने के लिए आगे मैं आप लिख देता हूँ, आई लाइक दी, मैं लिख देता हूँ आई लाइक आई टी, चलें जी, ठीक है, ये मैं आई लाइक आई टी, देखें अब मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, ठीक है, आई लाइक द आई टी, ठीक है, 54 करेक्टर उसने बता दिए लिखे हमने, ठीक है, तो वो कहा कि आप इसमें और भी लाइन लगा सकते हैं, चले इसको देख लेते हैं, ये देखें अभी लोडिंग हो रही है, तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, तो आई होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मैसेज में।